हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेजे व्लॉग। आज हम आपके लिए गणेश जी के फेवरेट मोदक की रेसिपी लेके आए हैं। गणेश चतुर्थी के पावन दिन पर आप ये इजी मोदक का प्रसाद बना सकते हो। हम यहाँ दो अलग तरीके के मोदक बनाना दिखाएंगे जिसमें हम मोल्ड का यूज नहीं करेंगे और इस रेसिपी को कुछ पकाने की भी जरूरत नहीं है और ये रेसिपी 2-3 मिनट में जल्दी बन जाएगी। तो चलो अब हम ये आसान मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। बिना केस के पीनट्स और काजू के मोदक हम आज आपके लिए लेके आए हैं। हमने 1 बाउल पीनट्स और 1/2 बाउल काजू मिक्सी में पीस के फाइन पाउडर बना लिया है। ये मिक्सचर में 3 टेबलस्पून कोकोनट, ये डेसिकेटेड कोकोनट है, इलायची पाउडर, और हमने बादाम की कतरन ली है। हाफ बाउल शुगर डालेंगे। और 2 टेबलस्पून हमने घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डालेंगे और डफ बनाते जाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा ही मिल्क डाल के डफ बनाना है। ये डफ रेडी हो चुका है। अब हम इसमें से मोदक बना लेंगे। मोदक बनाने के लिए हमने मोल्ड का यूज नहीं किया है। बिना मोल्ड के मोदक बनाने के लिए हम थोड़ा मिक्सचर हाथ में लेंगे। इस तरह से हमें राउंड कर देना है, फिर उंगलियों की मदद से इस तरह का मोदक का शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे। हमारे सारे मोदक रेडी हो चुके हैं। अब हम बच्चों के लिए चॉकलेट मोदक बनाएंगे। इसके लिए भी हम गैस का यूज़ नहीं करेंगे। चॉकलेट मोदक बनाने के लिए हमने बिस्किट का फाइन पाउडर बना लिया है। आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हो। हमने पार्ले जी और बॉनबॉन बिस्किट लिया है। इस मिक्सचर में हमने 1 टेबलस्पून नटेला डाला है, 2 टेबलस्पून चॉकलेट सॉस, 2 टेबलस्पून शुगर, 1 इलायची डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मिल्क डाल के उसका टाइट डफ बना लेंगे। हमारा डफ रेडी हो चुका है। अब हम इसकी स्टफिंग के लिए इस बाउल में हम डेसिकेटेड कोकोनट, 2 टेबलस्पून शुगर, 1 इलायची पाउडर और काजू और बादाम की कतरन, 1 टेबलस्पून मिल्क डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर का अब हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। बॉल रेडी हो चुके हैं। अब हम मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा मिक्सचर लेंगे, इसका हम पूरी शेप कर देंगे। इसको बड़ा रखना है ताकि जो हमने स्टफिंग के लिए कोकोनट बनाया है इसके अंदर अच्छे से आ जाए। अब हम ये स्टफिंग डालेंगे।
और अब हम इसको पैक कर देंगे। आप देख सकते हो ये मोदक शेप हो गया है। अब हम बटर नाइफ लेंगे और बटर नाइफ की मदद से इस तरह से हम कट करेंगे। इस तरह से हमने सारे मोदक रेडी कर दिए हैं। तो हमारे दोनों मोदक रेडी हो चुके हैं जो गणेश जी के भोग के लिए रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना। हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।